हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। और दोपहर के बज रहे हैं लगभग 1:30, और हस्बैंड 1 बजे ड्यूटी गए थे, और अच्छे से नहाई हूँ मैं, थोड़े से कपड़े धोए हैं। तो आज सुबह से इतना काम किया है और इतना मतलब कि सर में दर्द हो रहा है कुछ मत। और अभी मैं चाय मैंने पहले पी हुई है, लेकिन अभी एक अच्छी वाली चाय बना के पीऊँगी, जिससे कि सारी जो थकावट है वो उतर जाएगी, क्योंकि सर मेरा सुबह से दुख रहा है। चाय पी थी लेकिन वो ऐसी थी, अच्छी भी नहीं बनी थी। थोड़ा मतलब कि पहले मैंने खाना खाया, फिर पड़ी रही, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा गर्म करके बनने वाली जो चाय होती है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो फिर आज हमने बनाई थी मक्की की रोटी और साथ में गोभी मैंने फ्राई करके बनाई थी, लेकिन वो थोड़ी सी जल गई, तो सब्जी बनते बनते मैं पोचा लगा लगी और वो जल गई, तो इतना मज़ा नहीं आया खाने में। तो अभी जो सुबह से मुझे सिम्टम आ रहे हैं वो आ रहे हैं प्रेगनेंसी वाले, तो मुझे लगा कि अभी मैं फिर से शायद प्रेग्नेंट हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जो सिम्टम है आज सुबह से इतने स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, बहुत तेज मतलब कि आ रहे हैं, वॉमिट आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, जैसे थोड़ा सा जी मचलाना टाइप होता है, पूरे जैसे वो सिम्टम होते हैं प्रेगनेंसी के वो आ रहे हैं। तो अभी तो कोई फ़ायदा नहीं आने का ना, जब आने थे तब आए नहीं, और अब जब है ही नहीं कुछ तो अब आ रहे हैं, तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा है ना। तो अभी चाय पी लेती हूँ, फिर थकावट उतरेगी, और उसके बाद करना है आगे का काम। अभी वॉक करने भी जाना है, तो आज वैसे तो मन रोज ही करता है कि मत जाएं, लेकिन आज ज़्यादा ही थकावट थी तो मैंने सोचा था कि नहीं जाऊँगी, 1 से 4 हस्बैंड की ड्यूटी है, तो वो तीन मैंने सोचा कि मैं 3 से 3 बजे चले जाऊँगी और 4 बजे मुझे वहाँ से ले आएंगे, लेकिन वो मुझे उस दिन भी नहीं लेके आए थे, वो इधर आ गए और दूसरी साइड देखते रहे और मैं दूसरी साइड थी तो उनको पता नहीं चला। तो आज भी मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगी, और फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी काम तो हो गए हैं, 2 घंटे भी हैं, 1.5-2 घंटे, तो तब तक मैं चाय वगैरह पी के थोड़ा सा बॉडी जो है रेस्ट कर लेगी और उसके बाद मैं चली जाऊंगी। अभी जो बैठने बैठने वाले काम है वो मैं कर लेती हूँ। चाय के साथ खाऊंगी ये समोसा, क्योंकि हस्बैंड सुबह ले गए थे, मैंने खाया नहीं क्योंकि मक्की की रोटी बनी हुई थी, और रात को हम ये फ्रूट्स लेकर आए थे, और ये वाले ऑरेंज 100 रुपये किलो मिले थे, बहुत अच्छे टेस्टी, और ये कैंटीन से हम लेकर आए थे, और बाहर तो रेट 200 है, और इससे भी बेकार, जो हम 100 रुपये लेकर आए थे इससे भी बेकार थे, और बिल्कुल छोटे छोटे जैसे होते, बिल्कुल फीक के, उनको मैंने ऐसे ही फेंका, एप्पल और जो सेब थी, सॉरी एप्पल ऑरेंज। तो चाय बन गई है, लेते हैं। चाय तो मैंने पी ली है, तो अभी मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाती हूँ जो कि मैंने नया नया बनाया है, वो है ये पोंचो। और ये वैसे मेरे पास पहले एक पोंचो था शॉल टाइप, उसको मैंने खोल के फिर से नया बनाया है, क्योंकि वो मुझे छोटा था, मतलब कि अजीब सा लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो अभी ये नया बनाया है, ये बहुत ही सुंदर बना है, अच्छा है, तो इस तरह से ही होता है। तो जीन्स वगैरह के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ, तो फिर भी मुझे मैं सूट्स के साथ कैरी कर लेती हूँ और अच्छा लगता है ऐसे भी। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पहुँचो, तो 3 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ, 3 से ऊपर टाइम हो गया है, जिस दिन मुझे अकेले जाना होता है मैं लेट हो जाती हूँ, तो अभी मैं जाऊँगी भाग के, तो इतनी चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है, सांस फूलती है, यहाँ जाना है ऊपर, तो शाम के 7:15 हो गए हैं, और वॉक करके हम आ गए थे, उसके बाद हमने चाय पी है, और मैंने ये वाला जो रखा हुआ है ये मैं 2 बार बना चुकी हूँ, लेकिन मुझे
मतलब अभी तक वो सेटिस्फेक्शन सी नहीं हुई, तो अभी थर्ड टाइम फिर से बनाऊंगी। 10 बजे हस्बैंड की ड्यूटी है, तब शुरू करूंगी कोई डिज़ाइन। तो अभी मैं 2 बार बना के इसको खोल चुकी हूँ, क्योंकि ये भूल मोटी है, थोड़ा जल्दी बन जाता है उसका जो डिज़ाइन वगैरह है वो जल्दी पता चल जाता है, तो इसीलिए। तो क्रोशिया भी काफ़ी मोटा है, तो अभी मैंने सोचा है कि फिर से एक और ट्राई करते हैं और देखते हैं, जो मुझे अच्छा लगेगा, जिससे लगेगा कि हाँ ये अच्छा है, तो फिर मैं उसको नहीं खोलती हूँ, अदरवाइज मैं उसको पूरा खोल देती हूँ। जैसे ये मैंने बनाया था तो ये पुराना, पहले मैंने इसकी एक स्वेटर बनाई थी, तो स्वेटर बनाने के बाद मतलब ये बहुत ज़्यादा था वूल इसकी, तो उसमें से मैंने छोटे बच्चों का भी कुछ ना कुछ बनाया था। तो स्वेटर बनाने के बाद फिर मैंने इसको खोला, एक शॉल बनाया, शॉल बना के उसमें से बच्चों के लिए बनाया, और अभी शॉल खोल के फिर मैंने ये पोंचू बना लिया, क्योंकि मैंने इतना पहना नहीं है। वूल जो है अच्छी क्वालिटी की है, बिल्कुल नई है, ऐसा नहीं है कि हल्की वाली है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की है, मतलब महंगी वाली वूल है। तो इसलिए तो ऐसी चीज़ों का ये फायदा होता है वूल का, कि आप खोल के जितनी बार मर्जी उसका बना लो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट। लेकिन जैसे कोई सूट वगैरह स्टिच कर लेते हैं हम, तो उसको तो हम दोबारा नहीं बना सकते, तो जो एक बार डिज़ाइन बन गया वही रहता है। तो इसकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है वूल की। तो चलिए अभी खाना बना लेती हूँ मैं। खाने में आज बनेगी पीली पीली मिक्स सी दाल है ये, इसमें 5 पचरंगी दाल इसको बोलती है, हमने भिगो के काफ़ी टाइम की रखी हुई है। तो अभी पहले तड़के के लिए प्याज वगैरह काटती हूँ और फिर तड़का लगा के फिर दाल जो है चढ़ा दूंगी। तो यहाँ पे ना ऑयल लग जाता है, जैसे ऑयल रखो ना तो उससे, इसलिए मैंने सोचा है कि इसके नीचे ना चीज़ रखती हूँ जो मेरे पास है, जो मैंने कोस्टर बनाए थे, तो इसके ऊपर आलू की बढ़िया है ना, तड़का लग रहा है। एक कुकर ये है और एक मैंने ये निकाल लिया है, तो अभी चावल मैं इसमें बनाऊंगी, कि फिर कई बार जल्दी होती है तो एक में दाल ही बन रही होती है, तो दूसरे में बंदा आराम से चावल बना सकता है। तो पूरे 6 महीने बाद, 6-7 महीने बाद मैं इसमें खाना बनाने लगी हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल गैस के लिए है, और जब हम घर से आए थे तब हमारे पास यहाँ पे गैस सिलेंडर नहीं था, तो हमें इंडक्शन वाला कुकर लेना पड़ा था, तो तब से मैं इसी को यूज़ कर रही थी, तो इसको हमने अंदर रखा हुआ था। तो अभी करते हैं यूज़, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है उससे, तो इसको अच्छे से मांझना भी पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े शायद ये ऐसे ही हो गया है, तो ये शायद इसमें आलू बॉयल मैंने लास्ट टाइम किए होंगे तो इसकी वजह से ऐसा है। तो ये तो पूरा चमकता है, क्योंकि वो जिसको मांझते हैं अच्छे से, तो अभी इसको भी चमकाना है।